नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र की चिट्ठी पर आज किसान लेंगे फैसला, तेज कर सकते हैं आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 27 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर जमे बैठे सैकड़ों किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। किसान संगठनों ने मंगलवार को कहा है कि सरकार से जो चिट्ठी मिली है उस पर फैसला आज लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कुलवंत संधू ने कहा है कि बड़े साहिबजादे और छोटे साहिबजादे के शहीद दिवस पर 26-27 दिसंबर को टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर शहीद दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री करवाए जाएंगे। उन्होंने आंदोलन को तेज करते हुए बीजेपी और एनडीए के नेताओं का घेराव करने का भी ऐलान किया है। कुलवंत संधू ने कहा है कि सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाकर हिंदू वोटों को पक्का कर लिया है, अब वे ऐसा ही किसानों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। संधू ने आरोप लगाया है कि यह कानून अन्नदाताओं के खिलाफ है। इंग्लैंड के 36 सांसदों और अमेरिका के 40 सीनेटर्स ने इस मुद्दे को लेकर वहां के भारतीय दूतावासों को पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार अब भी इस मुद्दे पर संजीदा नहीं दिख रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। DDC चुनाव नतीजों से गदगद हुए उमर अब्दुल्ला, बोले 370 की बहाली की लड़ाई में अब जनादेश हमारे साथ। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के नतीजों से उत्साहित नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये चुनाव नतीजे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे कि हम कश्मीर से मिट गए हैं। ये नतीजे उनके लिए सबक है जो आरोप लगाते थे कि हम परिवार और खानदान की पार्टी है। चुनाव नतीजों पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस चुनाव ने बीजेपी के उस प्रोपगेंडा को खारिज कर दिया है जिसमें बीजेपी कहा करती थी कि यहाँ के लोग अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से खुश हैं। बीजेपी को अब ये वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए और झूठ बोलना बंद करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा है अब हमारे पास जनादेश है कि हम अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की स्थिति में हुए बदलाव के खिलाफ लड़ सकें और अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष करें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्रायन ने यह जानकारी दी। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री की ओर से सम्मान स्वीकार किया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने NSA रॉबर्ट सी ओब्रायन के हवाले से ट्वीट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में नेतृत्व के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पदक स्वीकार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 20 जुलाई 1942 को कांग्रेस द्वारा लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी सेना और विदेशी सैन्य सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया हो। यह सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है जिसे विदेशी अधिकारियों को प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। कमल हसन की पार्टी MNM ने किया हाउसवाइफ को सैलरी का वादा। जी हां दोस्तों, अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन की पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। कमल हसन ने आश्वासन दिया है कि अगर उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी के MNM 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में आती है तो हाउसवाइफ को घर में कामकाज के लिए भुगतान किया जाएगा। साथ ही सभी घरों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा और किसानों को कृषि आधारित उद्योगों के जरिए उद्यमी बनाया जाएगा। पार्टी के साथ बिंदु वाले शासन और आर्थिक एजेंडे को जारी करते हुए कमल हसन ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को समृद्धि रेखा में लाया जाएगा। पार्टी के एजेंडों में कहा गया है कि गृहणियों को भुगतान के जरिए उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को पहचान दी जाएगी, क्योंकि उनके कामों को अब तक ना तो पहचान दी जाती और ना ही भुगतान किया जाता है। महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नए कृषि कानून के तहत पहली कार्रवाई, किसानों को धान का भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के तहत किसानों से धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी पर ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। भीतरवार ब्लॉक के बाजना गांव में 17 किसानों की धान का 40 लाख रुपए भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क करके प्रशासन ने नीलामी शुरू कर दी है। मंगलवार को आरोपित व्यापारी बलराम पुत्र मंगराम परिहार के 1000 वर्ग फीट में बने मकान को 1,45,000 रुपए में नीलाम कर दिया गया। जमीन की भी नीलामी होनी थी, लेकिन सीमांकन न होने की वजह से कोई बोली लगाने नहीं आया। अब प्रशासन पहले उसका सीमांकन कराएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि नए कृषि कानून के तहत जिले में यह पहली कार्रवाई है। इसके पहले होशंगाबाद जिले के पिपरिया में एसडीएम ने नए कृषि कानून के तहत कंपनी को किसानों से अनुबंध के आधार पर धान खरीदने का आदेश दिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश की मस्जिदों और मदरसों में पेट बढ़ा रहा है पीएफआई, सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई सतर्कता। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की साजिश का आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई संगठन पूरे देश में अपनी पहुंच बढ़ाने में लगा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई देश के सभी मस्जिदों और मदरसों में अपनी घुसपैठ कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई बड़ी संख्या में इमामों को अपने संगठन से जोड़ने में लगा हुआ है। पिछले साल लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी के पीएफआई पर प्रतिबंध की सिफारिश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के नए खौफ के बीच राहत की खबर, 5 दिन बाद भारत आ रही है वैक्सीन की पहली खुराक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए ताजा स्ट्रेन के सामने आने से दुनिया भर में एक बार फिर से खौफ पैदा हो गया है। ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही अन्य देश भी ब्रिटेन से आना जाना पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। इस बीच लंदन से भारत पहुंचे 7 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद नए स्ट्रेन के भारत पहुंचने का डर सताने लगा है। लेकिन इन तमाम नकारात्मक खबरों के बीच वह घड़ी भी नजदीक आ रही है जिसका सभी को इंतजार है। खबरों के मुताबिक फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की पहली खुराक 28 दिसंबर को भारत आ रही है। वैक्सीन का दिल्ली पहुंचना अहम माना जा रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विदेही जयपुरिया के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर वैक्सीन की मेंटेनेंस के लिए कूल चैम्बर्स बनाए गए हैं। वैक्सीन को सुरक्षित स्टोर करने के लिए डीप फ्रीजर भी रखे गए हैं। पहली खेप जैसे ही दिल्ली पहुंचेगी उसे दिल्ली एयरपोर्ट के कूल चैम्बर से राजीव गांधी अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां डीप फ्रीजर में इसे रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हरियाणा में 1 से 8वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई, हर माह ऐप पर होंगे टेस्ट। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट अवसर ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ठंड के मौसम को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में 14 दिसंबर से सरकारी व निजी स्कूल फिर से खोले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा निर्देशालय को गाइडलाइंस जारी कर कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य नियमों का पालन करना व किसी भी लक्षण वाले छात्र व शिक्षकों का कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब हर हफ्ते बदलेगी गैस सिलेंडर की कीमतें, जाने दाम घटाने बढ़ाने का क्या है नया प्लान। जी हां दोस्तों, क्या अब से हर हफ्ते गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव होगा? सरकारी तेल कंपनियां अब से हर हफ्ते गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करने का प्लान बना रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक तेल कंपनियां इस तैयारी में तेजी से जुटी हुई हैं। इस समय गैस सिलेंडर रेट्स की समीक्षा हर महीने की जाती है, जिसके बाद कीमतों में बदलाव में इजाफा या कटौती होती है। तेल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो कंपनियों को हो रहे घाटे को कम करने के लिए यह प्लान बनाया गया है। हर महीने समीक्षा के दौरान अगर रेट्स में कटौती होती थी तो कंपनियों को पूरे महीने नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं इस नई व्यवस्था के जरिए कंपनियों को
काफी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पोल्यूशन की वजह से देश को 260,000 करोड़ रुपए का नुकसान, 16 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, ग्लोबल डिजीज बर्डन स्टडी में ICMR ने प्रदूषण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्टडीज के मुताबिक भारत में पिछले वर्ष प्रदूषण की वजह से 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदूषण की वजह से भारत को 260,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। ये नुकसान भारत GDP के 1.4% जितना है। कई बच्चों की मौत वक्त से पहले होने की वजह से भारत को 2,880 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण शीतलहर से मिलेगी राहत, जाने अन्य राज्यों के मौसम का क्या है हाल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में विक्षोभ बना हुआ है, जिसके चलते कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस कारण उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप और बढ़ सकता है। वहीं तमिलनाडु और केरल में बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर शीतलहर जारी रहेगी। वहीं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सर्कुलेशन के कारण हवाओं का रुख बदल गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों में हवाएं अब मंद पड़ने लगी है, जिससे तापमान में गिरावट अब बंद हो गई है और कई शहरों में भीषण शीतलहर के साथ साथ पाले से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कई दिनों की बढ़त के बाद आज सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी में आई मामूली गिरावट। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में कई दिनों की बढ़त के बाद आज सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 243 रुपए की कमी आई है, जिससे सोने के 10 ग्राम का भाव 49,653 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं बात करें चांदी की, तो 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 216 रुपए की कमी दर्ज की गई है, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज 67,177 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों आज भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भावों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83.71 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। वहीं 1 लीटर डीजल की बात करें तो उसका दाम 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महिलाओं के लिए लावा ने लॉन्च किया खास फोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन। जी हां दोस्तों, लावा BU स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसे खास महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। फोन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रीलोडेड सेफ्टी ऐप दिए गए हैं। फोन पिंक और गोल्डन कलर ऑप्शन में आएगा। लावा का विमेन सेंट्रिक स्मार्टफोन के कैमरे के आसपास डायमंड कलर का कॉम्बिनेशन रखा है, जिससे यह देखने में काफी यूनिक लगता है। लावा BU को भारत में 6,888 रुपए की कीमत में लॉन्च किया जाएगा। फोन सिंगल 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरियंट में आएगा। फोन को लावा इंटरनेशनल वेबसाइट पर पहले ही रोज पिंक कलर ऑप्शन में लिस्ट कर दिया गया था। फोन ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन चैनल पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।